सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके। अगर आप लोग ऐसी और अपडेट देखना चाहते हो तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो बात करते हैं आज के अपने पहले अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है मिस्टर ओलंपिया से रिगार्डिंग। एंड आप लोग देख सकते हो मैन फिजिक कैटेगरी के जो अपने दो एथलीट हैं जो कि कॉम्पीट करने वाले हैं, एक तो भुवन चौहान एंड एक है इमरान खान, जो ना उन्होंने अपनी कंट्री को चेंज करा लिया जो कि होने वाली इंडिया। एंड की जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इमरान खान एंड भुवन चौहान काफी पोटेंशियल बॉडी बिल्डर है एंड ये दम रखते हैं भाई मिस्टर ओलंपिया के शो पर जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करने का एंड अपनी कंडीशनिंग को उस तरह की बनाने का कि मिस्टर ओलंपिया मैन फिजिक से बन जाए इस बार। बाकी देखते हैं रिजल्ट कैसा आने वाला है। सो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है ब्रेयन एंसले के बारे में। तो ब्रेयन एंसले ने अपना करंट फिजिक अपडेट हमारे साथ में शेयर किया था एंड आप लोग देख सकते हो इनका कंप्लीट फिजिक अपडेट, जो कि आप लोग इनके चेस्ट, बाइसेप्स एंड मिड सेक्शन के साथ साथ इनके क्वाड्स की कंडीशनिंग को भी देख सकते हो, जो कि काफी जबरदस्त कंडीशनिंग हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। बाकी देखते हैं मिस्टर ओलंपिया में ये किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आज का अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है हरी कृष्णा के बारे में। तो हरी कृष्णा ने अपना करंट फिजिक अपडेट हमारे साथ में शेयर किया था एंड आप लोग इनकी करंट कंडीशनिंग को देख सकते हो। एंड पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसी कंडीशनिंग लेके आएंगे जो उसको बीट करना इम्पॉसिबल होने वाला है। बाकी बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो सारंगा पानी ने बताया दुबई प्रो शो के रिएक्शन के बारे में एंड वहां का जो कॉम्पिटिशन रहा था वो ओवरऑल कैसा रहा था। Dubai and India back to back. Dubai one was like the only thing that I learned over there was never get nervous backstage. Okay. And it was like I was looking completely different backstage. I even have a picture with Peter Molnar, Michael Dabool. Yeah. Michael Dabool was the guy who actually won the show. So, चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है जुनैद कालेवाला के बारे में। तो जुनैद कालेवाला जब लाइव आए थे तब बहुत सारे लोग उनसे बोल रहे थे कि आप भी भुवन चौहान को रिप्लाई दो। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया या फिर उन्होंने भुवन चौहान के बारे में क्या बोला, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। ये वीकेंड पे आप भी भुवन के लाइव में नहीं, मुझे ये सब शौक नहीं है, आप कर लो जो आपको करना है, ये सब अच्छे शौक नहीं है। So, चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है आई ए बेबी प्रो सैम यानी कि निशांत बंसल के बारे में। तो निशांत बंसल ने भाई मुंबई प्रो शो को लेके रिएक्शन दिया, साथ साथ उन्होंने अपनी प्लेसिंग के बारे में भी रिएक्शन दिया। तो देखिए उन्होंने क्या बोला। चलते हैं माय फिट ब्रो, व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, आई एम द ओनली वन एथलीट हु इज कंपीटिंग मोर एंड मोर शो बैक टू बैक, आई डोंट गिव एनीवन टू माय fellow athletes. I don't look here and there. I just focus on myself, buddy. Losing to Indian athletes, जितने शो में मैं प्लेस लेके आया हूँ भाई, अभी तक तो इंडियंस ने अभी खेले ही नहीं है। तो यार losing from the fellow athlete is not the right thing to say. It's all about I don't like the judging panel in India. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग ऐसी और अपडेट देखना चाहते हो तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता है ना इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर ऑल।